Assalamu alaikum gentlemen, I hope that you guys are fine and shine. Today I am making video on verbal section and I will tell you how to crack verbal in initial screening test. But before starting the video, this is my first and last introduction that alhamdulillah I am recommended by ISSB and unfortunately I was unfit by final medical. I am working on my recovery and inshallah I will join in 146. Please pray for my health. This platform is only for 5 months and you can support me by subscribing this channel just for my motivation in order to make more videos. So guys, as you guys already know that in a verbal, this is the part of intelligence test. What is the main aim of intelligence test? The main aim of intelligence test is to check your mental power. Dekhen, intelligence test mein jo hai, हमारी मेंटल पावर चेक की जाती है कि हम कितने फास्ट हैं, हम कितनी जल्दी से जो है हम आंसर ढूंढ सकते हैं टफ क्वेश्चन का, और यानी कि अगर हमारे सामने एक पज़ल आ जाए तो हम उसे कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं. तो इंटेलिजेंस टेस्ट में जो है हमारा ब्रेन चेक किया जाता है कि हम कितने फास्ट हैं या हम कितने लेज़ी हैं. दूसरी बात, जैसे कि आप सबको पता है कि वर्बल में हमारे पास 96 क्वेश्चन होते हैं और 35 मिनट्स होते हैं, तो यानी कि हमारे पास 27 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए होते हैं. तो इसके लिए आपने इस पे प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है और इंशाल्लाह आप जो है आसानी से इनिशियल टेस्ट पास कर सकते हैं. और दूसरी बात कि इस वीडियो में हमारे पास 10 क्वेश्चन है, एक पार्ट भी से स्किप नहीं करना क्योंकि 10 वीडियो के अलग मेथड्स हैं और अगर आप इस मेथड्स को माइंड में रखते हैं तो आप आसानी से अपने इनिशियल टेस्ट पास कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है 1+4, जब आप 1+4 करेंगे तो आपका 5 आंसर सही है. फिर अगर आप आगे देखेंगे 2+5, तो यहाँ पे 2+5 7 आना चाहिए लेकिन यहाँ पे 12 आया, क्यों आया ये मैं भी आपको बताऊंगा. आगे देखें 3+6 9 आना चाहिए लेकिन यहाँ पे 21 आना चाहिए. तो अगर आप सिंपली से प्लस करेंगे तो आप गलत हैं और आप अपने क्वेश्चन को गलत कर देंगे. तो आपने इस क्वेश्चन को ऐसे करना है कि 1+4=5, ये आपका सही हो गया. फिर आपने नेक्स्ट में ये करना है कि आपने इस पहले वाले आंसर जो आपका होगा आपने नेक्स्ट के साथ ऐड करना है. तो देखें 5 जो है आप अपने माइंड में 5 रखते, 5+2 तो ये आपका जो है 7 आ जाएगा. 7 के साथ आपने 5 को ऐड करना है तो आपका जो है 12 आंसर आ जाएगा. फिर आपने नेक्स्ट वाले के साथ 12 को ऐड करना है. 3+6 जो है आपका 9 आ गया. फिर आप जब 9 को 12 के साथ ऐड करेंगे तो आपका आंसर जो होगा वो 21 होगा. फिर आखिर में आपने 21 को ऐड करना है इन दो डिजिट्स के साथ. तो जब आप इन दोनों डिजिट्स के साथ ऐड करेंगे तो आपका आंसर कुछ यूँ होगा कि यहाँ पे 19 आ जाएगा, 19+21 तो आपका आंसर जो होगा वो 40 होगा. और आपको ऑप्शन दिए जाएंगे तो जिधर भी आपको 40 नज़र आए तो आपने सिंपली क्लिक कर देना है. तो ये आपका एक मेथड हो गया. अभी मैं आपको दूसरा मेथड बताने जा रहा हूँ. अभी हमारे पास दूसरा मेथड जो है, देखें 60 क्वेश्चन जो होते हैं हमारे पास मैथ्स के होते हैं, तो अगर आप मैथ्स को कवर करते हैं तो आपका इनिशियल टेस्ट पास हो सकते हैं. दूसरा जो है हमारे पास ये है कि 11 × 11, अगर आप 11 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 110 आते हैं. फिर अगर आप 11 को फिर ऐड करते हैं तो 121 आता है, 121 आ जाते. फिर अगर आप 22 × 22 करते हैं तो इसका आंसर होगा 484. तो इसका आंसर जो होगा वो 484 होगा, लेकिन यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 14 है. तो यहाँ पे क्या सीन है तो मैं भी आपको समझाता हूँ. देखिए ये जो है आपने इसे ऐसे करना है 1+1, फिर आपने बीच में मल्टीप्लाई कर देना है, फिर 1+1=2 जो है ये 4 आ जाएगा. कैसे आ जाएगा, 1+1=2 हो गए, यहाँ पे आपका 2 आ गया, फिर यहाँ पे 1+1=2 आ गए. तो जब 2 तो यहाँ पे 2 × 2 जब आप करेंगे 4 आ जाएगा. आपने सिंपली जो है क्या करना है, आपने बीच में प्लस को ऐड करना है इसमें. फिर आप नेक्स्ट में देखें 2+2 ये आपका 4 आ गया. फिर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, फिर यहाँ पे देखिए 2+2 आपका 4 आ गया. तो आपने 4 को 4 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 16 आंसर आ जाएगा. फिर आगे देखें आपने यहाँ पे 3+3 इससे 6 आ गए,
फिर यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई आ गया, फिर आप 3 + 3 करेंगे ना यहाँ पे, तो ये आपके पास 6 आ जाएगा। तो जब आप 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है 36 आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑप्शन में जो होंगे उस पर आपने क्लिक कर देना, तो ये आपका दूसरा न्यू टेक्निक हो गया। और आपने जो है ये टेक्निक अपने माइंड में रखने, अगर एक टेक्निक से नहीं होता तो आपने दूसरा अप्लाई करना है, दूसरे से नहीं होता तो आपने तीसरा अप्लाई करना है। उसके बाद जो है हमारे पास रिलेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं वर्बल में। 10 से 15 क्वेश्चन तक हमारे पास रिलेशन के आते हैं। तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है मेरीज फादर हैज़ 5 डॉटर्स, कि मेरीज के अबू के 5 डॉटर हैं और उनके नाम ये है नाना, नीनी, नीनी एंड नोनो, तो पांचवा कौन सा होगा। तो देखें रिलेशन में जो है अक्सर हमारे स्टूडेंट्स जो है वो पजल हो जाते हैं, लेकिन आपने पजल नहीं होना, आपने आपका आंसर जो होता है वो क्वेश्चन में ही होता है। तो यहाँ पे हमें कह रहे कि यार मेरीज फादर हैज़ 5 डॉटर्स। अभी यहाँ पे मेरीज फादर यानी कि मेरी के अबू के 5 डॉटर्स है, तो यहाँ पे 4 डॉटर्स का नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो पाँचवा जो है हमारे क्वेश्चन में ही है जो कि हम मेरी है। तो समझ आ गई है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की जानिब। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास ये है कि ए का बाप बी है लेकिन बी का बेटा ए नहीं है। फिर मैं समझाना चाहता हूँ, ए का बाप बी है, ये एक हो गया, यानी कि यहाँ पे हमें पेरेंट्स की रिलेशन बता रहे कि ए का बाप बी है, यानी कि बी जो है वो बाप है लेकिन बी का बेटा ए नहीं है। तो जब बेटा नहीं है यानी कि इनके देखें ए का बाप बी है यानी ये रिलेशन है बाप बेटे का, लेकिन बी का बेटा ए नहीं है। तो यहाँ पे जब बी का बेटा ए नहीं है तो यहाँ पे देखें या तो बेटा हो या बेटी है, लेकिन यहाँ पे हमें कह रहे लेकिन बी का बेटा ए नहीं है, तो सिंपली जो है इनका रिश्ता जो है बाप बेटी का है। आप दोबारा इस क्वेश्चन को पढ़ें और आपको आंसर जो है वो बाप बेटी का मिलेगा, और ऑप्शन में आपके पास जब जिधर भी डॉटर लिखा होगा आपने सिंपली क्लिक कर देना है उस पर। फिर गाइज हमारे पास मैथ्स में जो है वो सीरीज़ के क्वेश्चन आते हैं कि सीरीज़ मुकम्मल करें। अभी ये सीरीज़ जो है इसे आपने जो है 4 के बाद 6 आए, अगर आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि यहाँ पे 2 ऐड हो गए फिर 6 और 9 है, तो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि पहले 2 ऐड हो गए फिर 3 हो गए और फिर देखें 6 से फिर हमारे पास 6 आ गए फिर -6 हो गए, तो ये ऐसे सीन नहीं है। इसका सीन कुछ यूँ है कि 4 के बाद जो है हमारे पास 9 आए, यानी हमने बीच वाले को स्किप कर देना है। मैं आपको बताऊंगा कि हमने क्यों स्किप किया है बाद में। 4 प्लस यहाँ पे आपने सिंपली +5 कर देना है, तो 9 आ गया। फिर आपने 9 को जो है बीच वाले के साथ आपने नहीं ऐड करना, नेक्स्ट वाले के साथ आप ऐड करेंगे और फिर आप +5 करेंगे। तो 9 के साथ जब आप +5 करेंगे तो 14 आ जाएगा, फिर 14 के साथ जब आप +5 करेंगे तो आपका आंसर 19 होगा, और जिधर भी आंसर होगा आपके 19 तो आपने उस पर क्लिक कर देना है। ऐसे हो गए। फिर आप देखें यहाँ पे 6 है ना, तो यहाँ पे देखें आप एक को छोड़े दूसरे को साथ देखें फिर 6 है, फिर यहाँ पे देखें दूसरे को छोड़े तीसरे के साथ तो 6 है, तो यहाँ पे 6 के बाद 6 आ ही नहीं सकता, तो आपने पहले वाले ही पे करना है। तो ये जो है आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो आप जो है इसे 15 से 20 सेकंड में कर सकते हैं अगर आप जो है प्रैक्टिस करेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है मैथ्स का क्वेश्चन आता है जो कि डमास रूल पे होता है। आप सबको पता होगा कि डमास रूल क्या है। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपने जो है डमास रूल को लाजमी सीखना है। देखिए डमास रूल में हमारे पास सबसे पहले जो है हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, फिर जो है हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम ऐड करते हैं और फिर हम सबट्रैक्ट करते हैं। ये फार्मूला है डमास रूल। तो अगर आपको एक क्वेश्चन में माइनस नज़र आए, मल्टीप्लाई नज़र आए, प्लस नज़र आए और डिवाइड नज़र आए, तो आपने उस क्वेश्चन को आपने डमास रूल पे करना है। तो अभी डमास रूल में हमारे पास सबसे पहले जो है डिवाइड है, तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें हमारे पास डिवाइड नहीं है, हमारे पास दूसरा जो है मल्टीप्लाई है। अगर हम देखें यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई मिल रहा है, तो देखें हम पहले इन दो डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2, तो ये आंसर जो होगा 4 होगा। फिर डमास रूल के मुताबिक जो है पहले हम डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर हम ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए जो है हम क्या करेंगे, देखें हमारा ये ऐसे होगा 2 − 4 + 2, तो जब हम ऐड करेंगे इस 4 और 2 को तो हमारे पास जो है वो 6 आ जाएगा इससे, ठीक है। तो हमारा आंसर जो होगा ऐसे होगा कि 2 − 6, तो अभी हमने जो है 2 − 6 को जब हम करेंगे तो −4 आ जाएगा, तो हमारा आंसर जो है यहाँ पर
माइनस फोर आएगा, और ऑप्शन में आपके पास जिधर भी माइनस फोर होगा तो आपने सिंपली क्लिक कर देना। तो मास रूल जो हो गया है वो आपने पहले डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है कुछ यूँ है कि देखिए 9 × 7 आप करेंगे ना तो ये 61 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपके पास 4 डिजिट्स हैं, 4 × 3 12 आता है, तो यहाँ पे आपके पास 4 डिजिट्स है। क्या सीन है यार, सीन कुछ यूँ है कि ये 9 जो है ना, ये आप इसे 5 9 5 ज़ार करें तो 9 5 ज़ार 45 आ जाता है, फिर आप 7 5 ज़ार करें तो 7 5 ज़ार 35 आ जाता है। तो ये जो है 5 की टेबल पे हो रहा है, यानी कि 9 5 ज़ार 7 5 ज़ार ये ऐसे हो रहा है। फिर आप 4 5 ज़ार करें 20 आ जाएगा, 3 5 ज़ार 15 आ जाएगा, फिर 6 5 ज़ार 30 आ जाएगा, और 8 5 ज़ार 40 आ जाएगा, फिर जो है 10 5 ज़ार 50 और 12 5 ज़ार 60। तो हमारा आंसर जो होगा वो 650 होगा। तो गाइस जो आपने अभी तक देखे हैं हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो एक दूसरे से अलग मेथड पे अप्लाई करते हैं, तो ये 10 मेथड्स अगर आप सीख जाते हैं तो आपका इनिशियल वर्बल जो है वो आप क्रैक कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं जो हूँ नेक्स्ट वीडियोस भी वर्बल पे बना रहा हूँ, और मेरे फ्रेश कैंडिडेट्स ये दरख्वास्त है कि वो एकेडमीज़ ना ज्वाइन करें, क्योंकि वो घर पे कर सकते हैं तो वो अपना पैसा क्यों ज़ाया करना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट जो है गाइस हमारे पास जो है इंग्लिश के आ जाते हैं क्वेश्चन, और इंग्लिश के जो है हमारे पास आपको पता ही है एंटोनिम और सिनोनिम्स। एंटोनिम्स जो होता है उसे उर्दू में मुतज़ाद कहा जाता है, जैसे कि अगर डे है तो डे का मुतज़ाद जो होगा वो नाइट होगा, यानी कि अपोजिट जो उसका होगा वो होगा। तो जब आपको एंटोनिम पता नहीं है तो आप जो है इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे, ठीक है। तो अभी हमें कहा जा रहा है कि ब्राइट का अपोजिट क्या होगा, तो ब्राइट का अपोजिट जो होगा वो डार्क होगा। तो आपने अपनी इंग्लिश पे जो है थोड़ी कमांड हासिल करनी है, और आपने थोड़ी बहुत चीज़ें जो है इंग्लिश के बारे में सीखनी है। तो आज आपका टास्क ये है कि आप जो है एंटोनिम एंड सिनोनिम्स के बारे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, और 10 से 15 एंटोनिम एंड सिनोनिम्स जो है आप उसे याद करें। फिर हमारा नेक्स्ट सीन जो है वो ये है कि 25 + 5 करें तो 30 आएगा, लेकिन यहाँ पे 60 है, फिर 15 + 10 करें तो 25 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 50 है। ये क्या सीन है, देखें इस क्वेश्चन में जो है ना आप अपना माइंड जंगाएं कि यहाँ पे 25 जो है आप इसे 25 + 25 करें 50 आ जाएगा, फिर आप 5 + 5 करें 10 आ जाएगा, तो 50 + 10 जो है 60 आ गया। यानी कि आपके पास यहाँ पे 25 जो नज़र आ रहा है आपने इसको 25 के साथ ऐड कर देना है, फिर आपने ये 5 है 5 + 5 = 10 आ गए, तो 50 + 10 = 60 आ गए, फिर आपने 15 को दो दफ़ा माइंड में 15 ऐड करना है तो 30 आ गया, 10 को आपने दो दफ़ा ऐड करना है तो 20 आ गया, 30 + 20 = 50 आ गया, 35 जो है आपने दो दफ़ा माइंड में याद कर लेना है 70 आ गया, और 15 आपने माइंड में दो दफ़ा कर लेना है तो आपके पास 100 आ जाएगा। फिर लास्ट आंसर जो होगा 75 को जब आप दो दफ़ा ऐड करेंगे तो आपके पास 150 आ जाएगा, और 25 को जब आप दो दफ़ा ऐड करेंगे 25 25 50 आ जाएगा, तो आपका आंसर जो होगा वो 200 होगा। और ऑप्शन में जिधर भी आपको 200 मिले तो आपने सिंपली उसे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो गाइज ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट वर्बल के, वर्बल क्या होते हैं, और ये था हमारा आज का टॉपिक। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा मिल सके। अल्लाह हाफिज़।